नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश आप सबों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं आपको अपने कलेक्शंस में से 10 रुपये के कॉइन्स के बारे में बताऊँगा। चूँकि मेरे पास में कई सारे 10 रुपये के कॉइन्स हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए मैं उनमें से कुछ 10 रुपये के सिक्कों के बारे में बताऊँगा, और मेरे अगले वीडियो में मैं बाकी के सिक्कों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, RBI ने अब तक 52 यानी 52 तरह के 10 रुपये के सिक्कों को जारी किया है, जिसमें से मेरे पास अभी 19 तरह के सिक्के ही हैं, जिसमें कि काफ़ी रेयर सिक्के भी हैं। आज मैं आपको सिर्फ 9 प्रकार के सिक्कों की जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो ये है मेरे 9 कॉइन्स, 9 10 रुपये के कॉइन्स जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये वाला कॉइन जो कि स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन है, ये 2011 में सबसे पहली बार इशू हुई की गई थी, और अब तक ये 2019 तक इशू किए जा रहे हैं। ये बाई मेटलिक कॉइन है, इसका सेंटर कॉपर निकल का बना हुआ है, और जो रिंग देख रहे हैं वो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ये 7.71 ग्राम्स का है, 27 mm इसका डायमीटर है, और थिकनेस इसकी 1.8 mm है। और सारे जो भी कॉइन्स आज हम देखेंगे, सारे 10 रुपये कॉइन्स राउंड शेप में होंगे। ये जो दूसरा कॉइन है, ये भी स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन है, जो कि 2019 में इशू किया गया, और ये भी बायोमेटलिक है, और सेंटर में कॉपर निकल और रिंग में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है। ये थोड़ा सा पिछले कॉइन से थोड़ा सा वेट में ज़्यादा है, ये 7.74 ग्राम्स का है, और डायमीटर इसकी 27 mm है, और थिकनेस 1.8 mm है। ये जो तीसरा कॉइन है, ये साल 2016 में इशू की गई थी, ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की 125वीं सालगिरह के उपलक्ष में इशू की गई थी। ये भी बायोमेटलिक कॉइन है, सेंटर में कॉपर निकल और रिंग में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है। 7.71 ग्राम्स का है ये कॉइन, और डायमीटर 27 mm, और थिकनेस 1.8 mm का है। और ये जो चौथा कॉइन है, ये 2015 में इशू की गई थी, ये हमारे 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष में इशू किया गया है। ये भी बायोमेटलिक कॉइन है, सेंटर में कॉपर निकल और रिंग में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है, वेट 7.71 ग्राम्स, और डायमीटर 27 mm का है, थिकनेस 1.8 mm। जो हमारा पांचवा कॉइन है, ये 2013 में कॉयल बोर्ड के डायमंड जुबली यानी 60 साल पूरा होने के उपलक्ष में इशू की गई थी 2013 में। बायोमेटलिक कॉइन फिर से, सेंटर कॉपर निकल और रिंग में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। ये सिक्का दूसरे जितने भी 10 रुपये के सिक्के जो हाल फिलहाल में इशू किए गए, इसमें से सबसे ज़्यादा वेट का है, ये 8 ग्राम्स का है, और डायमीटर इसकी 27 mm है, और थिकनेस 1.8 mm। फिर हमारा नेक्स्ट कॉइन है 2015 में इशू किया गया
थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के उपलक्ष में। ये भी बायोमेटलिक कॉइन है, सेंटर में कॉपर निकल और रिंग में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। 7.71 ग्राम्स का है, 27 mm इसकी डायमीटर है और 1.8 mm इसकी थिकनेस है। हमारा सातवां कॉइन 2010 में इशू की गई आरबीआई के प्लैटिनम जुबली के उपलक्ष में ये कॉइन इशू किया गया था। और इसके साथ में एक 5 रुपये का कॉइन भी इशू किया गया था जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो कॉइन है ये 2010 में इशू की गई थी। ये भी बायोमेटलिक कॉइन है, सेंटर में कॉपर निकल और रिंग में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है। वेट 7.71 ग्राम्स का है और थिकनेस 1.8 mm का है और डायमीटर में ये 27 mm का है। हमारा आठवां कॉइन 2012 में इशू की गई थी। ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सिल्वर जुबली यानी 25 साल पूरा होने के उपलक्ष पे ये 10 रुपये का कॉइन इशू किया गया था। इसके साथ में एक 5 रुपये का कॉइन भी इशू किया गया था और इसके बारे में जानकारी हम लेंगे अगले वीडियो में। पर अभी इस कॉइन को देखते हैं। ये जो कॉइन है ये भी बायोमेटलिक है और कॉपर निकल इसके सेंटर में है, रिंग में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है। वेट 7.71 ग्राम्स का है, थिकनेस 1.8 mm और डायमीटर 27 mm का है। और जो हमारा नवा कॉइन है 10 रुपये का आज का, ये बहुत ही स्पेशल कॉइन है। ये 1000 रुपये का कॉइन के साथ में इशू किया गया था। इस 1000 रुपये के कॉइन के बारे में हम बाद में जानकारी देंगे। ये जो 10 रुपये का कॉइन है ये इशू किया गया था भगवान श्री जगन्नाथ के नवकलेबर के उपलक्ष में। नवकलेबर वो सेरेमनी होती है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ और उनके साथ में बालभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन जी हैं, वो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करते हैं, जो कि हर 8वें, 12वें और 19वें साल में नवकलेबर मनाया जाता है। ये दोनों ही कॉइन इशू किए गए थे 2015 में। 10 रुपये का कॉइन जो है वो बायोमेटलिक है, सेंटर में कॉपर निकल और रिंग में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है। वेट इसका 7.71 ग्राम्स है, थिकनेस 1.8 mm का है और डायमीटर इसे 27 mm का है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 10 रुपये के कॉइन्स के बारे में जानकारी ली। ये सिर्फ 9 कॉइन्स थे, बाकी के कॉइन्स की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। आपका समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।